किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज का दूसरा विषय है कि जब हम कोई अमरूदों की पौध सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यानी उनका चुनाव करने के बाद हमने ये तो सोच लिया कि हमने ये अमरूद लगाने हैं, तो हम ये अमरूद के पौधे कहाँ से। आप देखेंगे कि आजकल बहुत चर्चा हो रही है और बहुत लोगों की शिकायत भी आ रही है कि नर्सरी वाले जो है ना धोखा भी करते हैं और अच्छी पौध मिलना एक दुभर कार्य है। तो मैं इसमें आपको 6 बिंदु बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा और आप अच्छी नर्सरी खरीद सकेंगे। पहला ये ध्यान रखिए कि अगर आपको नर्सरी लेनी है तो कोशिश करिए कि वो सरकारी नर्सरी हो। लेकिन सरकारी नर्सरी जैसे जिला उद्यान बाग वगैरह में बनती है तो ये ध्यान रखिए कि वे लोग कभी कभी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं किसी नर्सरी वाले से और वहाँ से मंगा कर बेचते हैं, तो ये उनके अपने यहाँ की बनाई हुई हो तो निश्चित रूप से ये होगा कि अगर L49 की नर्सरी मिलेगी तो वो L49 की ही होगी। तो इस बात का पहला बिंदु आप ये देखिए, क्या आपके जिला उद्यान अधिकारी या के यहाँ पर नर्सरी है या नहीं है। प्रत्येक जिले में लगभग है इस प्रकार की नर्सरी, या आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी हो तो वहाँ पर देखिए। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है CISH, इसे हम कह सकते हैं कि वो अमरूद पर ही बहुत काम करते हैं और उनकी कुछ अपनी प्रजातियाँ हैं। लेकिन उनके यहाँ समस्या ये है कि आपको बहुत पहले बुकिंग करानी पड़ती है और जितने पौधे आपको चाहिए उतने नहीं देते। जैसे आपने 400 पौधे मांगे तो वो 100 देंगे, और दूसरी उनकी समस्या ये है कि वो 15 जुलाई और 15 अगस्त के बीच में डिलीवरी करते, जिससे उस समय आपके हमारे जो उत्तर भारत में है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या हरियाणा में है, हम पौध नहीं लगा सकते क्योंकि उस समय बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में पौध लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे को। तो आपको सेप्टेम्बर वगैरह में इसको पौध लगानी पड़ेगी, तब तक उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। यह भैया पहला। दूसरी ये है, जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसकी नर्सरी देखिए, क्या वो अपनी नर्सरी खुद बना रहा है या कहीं से लाकर बेच रहा है। किसान भाइयों, भारत में बहुत कम नर्सरी हैं जो खुद बनाते हैं, और अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं कि उनसे खरीद लेते हैं और वहां पर एक तरह से होलसेल में नर्सरी बनती है। तो उनके यहाँ जो पौधा चल गया, थोड़ा सा भी चल गया, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। आप मलिहाबाद जाइए, मैं भी गया था, और आप देखिए कि नर्सरियाँ, लेकिन अपनी नर्सरी बनाने का इतना नहीं है, क्योंकि उसके लिए पौधे उगाने पड़ते हैं, उन पर ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है। तो अगर आप किसी ऐसी नर्सरी से ले रहे हैं जो है, तो उसे ये देखिए कि भाई इसकी गारंटी क्या है। जैसे हमने अभी देखा है कि हमारे पास बहुत शिकायत आई है कि हीरो ऑर्गेनिक जो सहारनपुर में है, उन्होंने लोगों को नींबू कहकर बेच दिया और वो बेसिकली लेमन था, और इतना बड़ा लेमन था कि लोगों को बेचना नहीं पड़ा और बाग भी काटने पड़े। तो ये देखिए क्या वो अपने आप बना रहे हैं और किस पौधे से बना रहे हैं, उसका मदर प्लांट देखने की कोशिश करिए, क्या उसके पास उनका मदर प्लांट है। मदर प्लांट उसे कहते हैं जिससे कि वो लेकर कलम बनाते हैं। तो ये हुआ दूसरा बिंदु, आप इसको ध्यान रखिए। और इसे बनाने में उन्होंने किस तरह की विधि लगाई है, कलम जो है उस पर एक डंडी के ऊपर दूसरी डंडी चढ़ाते हैं या वीनियर ग्राफ्टिंग। तो आपको ये भी देखना है कि मैं आपसे ये करूँगा कि कोशिश करिए वीनियर ग्राफ्टिंग वाली पौधा आपको मिले, जो कि बहुत कम नर्सरी बनाते हैं। पौधे अच्छे होंगे, कम लगाइए इस साल, कुछ अगले साल लगा लीजिए, लेकिन आपको सावधान। मदर प्लांट का नर्सरी वाले के पास होना बहुत जरूरी है, अगर मदर प्लांट नहीं है तो कोशिश करिए आप न। तीसरा पॉइंट हुआ, आप जो है ना, एक आजकल चल रहा है क्लोन का, कि क्लोन के पौधे हैं और ग्राफ्टिंग के। अब मैं दोनों में अंतर समझाता हूँ। जो क्लोन है उसे, उसके पौधे का एक भाग लेकर पहले उसको अंदर छाया में और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको एक छोटी थैली या उसके अंदर पहले उगाया जाता है। उसको धीरे धीरे जब पौधा चलने लगता है, धीरे 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 उसे वातावरण के अनुकूल किया जाता है। इस पौधे का फायदा यह होता है
कि ये पौधा जब आप लगाएंगे बहुत तेजी से बढ़ता है, और लगभग अगर दूसरा ग्राफ्टिंग वाला पौधा 2 वर्ष में फल देता है तो ये आपको 1.5 वर्ष में पौधा दे देगा, कम से कम 3-4 महीने का फर्क। लेकिन इसकी जो कमी है वो ये है, ये सावधानी रखनी है कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और इस पर बीमारियों का प्रकोप ग्राफ्टिंग वाले पौधे से ज्यादा हो। अब मैं ये बताता हूं कि अगर कोई मदर प्लांट है आपके पास में, उससे आप एक क्लोन बना रहे हैं और ग्राफ्टिंग बना रहे हैं, तो दोनों पर अमरूद एक जैसे आएंगे, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि क्लोन वाला ही बहुत अच्छा होता है। ये आपकी विधि है, आप इस प्रकार तैयार करते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग वाले पर भी उसी तरह आते हैं। ये पौधा बनाने का जो है ना, कई तरीके हैं जिनमें से क्लोन एक विधि है और ग्राफ्टिंग दूसरी। जैसे मैंने अभी एक ताइवान पिंक बुक कराया है नर्सरी से, बनारस में है एक नर्सरी, तो वहाँ पर मैंने जानबूझकर, मैंने आंध्रा से नहीं बुक कराया, जो क्लोन वाले मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको ग्राफ्टिंग वाला प्रीफर किया है। ये मेरी चॉइस, मैं करूँगा, मैं जिम्मेदार हूँ इसको। तो जब मैंने सब जगह देखा, 2-3 लोगों से बात की और उनका नर्सरी बनाने का जो तरीका है वो देखा, और वहाँ पर उनसे क्या नाम लोगों से सर्वे किया, तो मुझे पता चला कि ये विश्वसनीय है और इनके पास मदर प्लांट है ये बना। जो अगला पॉइंट है, जो बिंदु है, उस पर ध्यान रखिए कि अभी अभी कई वीडियो आई हैं, बहुत सारी आई हैं, आप देखिए उनमें, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आजकल नेमाटोड की बीमारी हो रही है पौधों में, और ये बीमारी अक्सर कर जहाँ से पौध आती है वहाँ से आती है। तो आप उनसे ये कहिए भाई, हम कोई भी 2 से 4 प्लांट, अगर हम मान लो 100 ले रहे हैं, तो 2-3 प्लांट में हम देखेंगे कि उनको उठाइए, पौधे को उसकी थैली खोलिए और जड़ों को देखिए कि उनमें कोई गांठ तो नहीं है। अगर किसी में गांठ मिल गई आपको जो करे, तो आप सारे को रिजेक्ट कर दीजिए, हम नहीं ले। ये बहुत बीमारी है, क्योंकि एक बार ये आ गई तो इसका प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल होता है और आपके पूरा साल खराब होता है। पैसे की तो बात छोड़िए, जो समय की बर्बादी होती है वो बहुत खराब होती है। तो ये देखिए, क्या इसके आसपास, क्या ये अपने यहाँ बना रहा है, और अगर अपने यहाँ नहीं बना रहा है तो कहाँ से आएंगे, वहाँ पर देखिए। अगर फिर भी आपको उससे खरीदने कहते हैं, भाई हमें वहाँ दिखाओ, हमें वहाँ का कुछ तो बताओ कि वहाँ पर क्या है, किस तरह के प्लांट है, तो झांसे में फोटो देख कर मत आइए। तो गुणवत्ता की जांच आप पौधे की मिट्टी से करिए। जो अंतिम बिंदु है, जो आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है पौधे की ऊंचाई। मैंने देखा है, मैंने भी मंगाए हैं, मेरे से भी गलती हुई है कि पौधे 5-5 फीट के हैं या 4 फीट का पौधा, नहीं, पौधा 2 से 2.5 फीट का होना चाहिए। 2 फीट का होगा बहुत अच्छा है, 2.5 फीट का होगा तो भी चलेगा, 3 फीट तक भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन कोशिश करिए वो 2 से 2.5 फीट से बड़ा पौधा ना। अब जो थैली की सतह है, उसकी जो ग्राफ्टिंग हुई है वो केवल 6 इंच ऊपर हुई। अब 6 इंच में तो ये तो है नहीं कि आप फीता लेकर नापेंगे 6 इंच, 6 में 7 भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा चलो 8 होगी, लेकिन इससे अधिक बिल्कुल नहीं होगा उसकी ग्राफ्टिंग वहां होगी। और जो ग्राफ्टिंग वाली टहनी है उसकी मोटाई कितनी है, जो बीजू पौधा है उसके तने की मोटाई कितनी है जहां पर उसने ग्राफ्टिंग की है, दोनों चीजों को ध्यान से देखिए। और कोशिश करिए, मैं 2 से 2.5 फीट से अधिक का पौधा कह दीजिए, मैं 2.5 फीट से अधिक का नहीं लूंगा। और इस प्रकार की मेरे को चाहिए पन्नी, किस प्रकार बांधी हुई है, कुछ बहुत जल्दी में जहां पर बहुत तेजी से या होलसेल में बनाते हैं, इतनी तेजी से बांधते हैं कि आपको वहां पर गिरह पड़ जाती है और उसके अंदर घुस जाती है पन्नी, और अगर थोड़ी भी देर हो गई तो वो पौधे को खराब कर देते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें कुल ऊंचाई, कहाँ पर ग्राफ्टिंग है, और थैली से ग्राफ्टिंग के ऊपर कितनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे किसी के कहे अनुसार, जैसे मेरे से पूछते हैं हम पौध कहाँ से लें, भाई देखो मैं तो बताऊंगा नहीं, आप समझेंगे मैं भी एजेंट, लेकिन मैं आपको कुछ एड्रेस दे सकता हूँ, आपको उनके पास जाना है, ये आपका है, आप देखिए इन बिंदुओं से पता करिए कि वो कैसे मनाते हैं, उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप वहाँ जा भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर प्लांट बनाना आसान काम नहीं है, हर नर्सरी वाला नहीं रख सकता, मदर प्लांट होना चाहिए। एक इसमें और जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने विनियर ग्राफ्टिंग की थी कुछ पौधों की, और मेरी सक्सेस रेट 5% भी नहीं हुआ। क्यों नहीं रहा, मैंने सोचा, फिर मैंने लोगों से पता करना शुरू किया,
तो जो मदर प्लांट होता है उसकी उम्र कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए, उसी की डंडी की ग्राफ्टिंग करनी चाहिए। अगर 3 वर्ष से पहला होगा तो वो पौधा जल्दी नहीं चलेगा और इतना स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मदर प्लांट होना चाहिए, उसको कितने वर्ष का है ये होना चाहिए, किस प्रकार की ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करके कहाँ रखते हैं वो उसको, उनकी क्या विधि है, ये सब जानकर अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान बहुत कम चांस है होने। नहीं तो जिस प्रकार हमारे खालिद भाई रो रहे हैं नींबू लगाकर हीरो ऑर्गेनिक से खरीद कर, ये भी आप भी इसी तरह करेंगे, मतलब परेशान हैं। अगर आपके कोई इस पर फिर भी सवाल हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, किसान भाइयों से मिलिए। और इसके लिए जब आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे अमेजिन किसान व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर 9910336138, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और मेरे जो अंतिम भाग है इस वीडियो का उस पर दिखाई देता है, उस पर एक व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेजिए और उसमें लिखे मेरा नाम ये है, मैं इस जिले से हूँ, इस प्रदेश से हूँ और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक को एक्सेप्ट करते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और देखिए किसान अब कितनी बातें कर, मुझे भी बहुत सीखने को। कोई भी आदमी ज्ञान के लिए संपूर्ण नहीं होता, ये बात कंठस्थ कर लीजिए। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में काम करता हूँ और अब 30 सितंबर को रिटायर होने वाला हूँ। कुछ लोग मुझे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट समझते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये तो मैंने एक पैशन है मेरा, मुझे बचपन से शौक था तो मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि सही बात को कैसे करना, कैसे ढूंढना है उसको, सही लोगों तक कैसे पहुँचना है। और मुझे ये आदमी गलत है, मैं भी हीरो ऑर्गेनिक के यहाँ गया था, कई बार गया तो उनसे मैंने 2-4 सवाल किए तो उनका उत्तर उन्होंने संतोषजनक नहीं दिया, तब मुझको शक हो गया कि ये कुछ गड़बड़। फिर मैं ढूंढा तो मैंने सोचा नहीं, मुझे इनसे कोई नहीं। चलिए, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अच्छी बागवानी होगी और आप खुश होंगे, और आप खुश होंगे तो देश खुश होगा, हम सब खुश होंगे और हम सब की तरक्की होगी और इससे देश की तरक्की होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।